आपके पास कितने पेजेस हैं? और अभी मैं यहाँ पे 7 पेज रख रही हूँ। तो कितनी अर्निंग कर लेती हैं? कॉपी पेस्ट करने का आइडिया आपके मन में कब से आया? यूट्यूब पे किसको फॉलो करती हैं? जी हे गाइस, वेलकम बैक न्यू अनदर वीडियो। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही कमाल एवं धमाल का होने वाला, क्योंकि आज के वीडियो में हमारे साथ एक फीमेल क्रिएटर जुड़ी हुई जो फेसबुक पे बहुत अच्छी अर्निंग कर ले रही हैं, वो भी बहुत कम समय में। दोस्तों बहुत सारे वो पेज रन कर रही हैं, उनसे आप लोग बहुत कुछ सीखने को पाएंगे एवं बहुत कुछ आपको बताएंगे। तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना, मैं उनसे बातचीत में सब कुछ आज पूछने वाला हूँ। सबसे पहले मैम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, क्योंकि आपने अपना कीमती टाइम हमारे लिए निकाला, हमारी ऑडियंस के लिए निकाला। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच भाई कि आपने मुझे अपने चैनल पर इनवाइट किया। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले हम आपको बोलना चाहेंगे कि सिस्टर, आप हमारी ऑडियंस को शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम है सुमन राजपूत और मैं राजस्थान ब्यावर डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव से बिलोंग करती हूं। सिस्टर, आप एफबी पर कब से कॉपी पेस्ट करती हैं एवं आपके पास कितने पेजेस हैं? जी भाई, मैंने शुरू किया था अक्टूबर 2021 को मैंने शुरू किया था, ठीक है, एफबी पे काम। जी ठीक है ना। मैं कब से काम कर रही हूँ, मैं तब से कम 10-15 पेज पे काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पे ग्रोथ नहीं मिली, मेरे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी वहाँ पे, तो इस वजह से मैं परेशान होकर मैंने उन पेजेस को बंद कर दिया। जी ना, फिर मैं यूट्यूब पर भी आई, मेरे को यूट्यूब पर भी ग्रोथ नहीं मिली है। मैंने यूट्यूब पर भी, ये जो चैनल है मेरा अभी, ये मैंने क्रिएट किया, इस पर भी ग्रोथ नहीं मिली। लेकिन अभी 2-2.5 महीने से क्या हो रहा है, मैं इन भाई से मिली, आपसे मिली भैया, उसके बाद मेरा जो पेज है अच्छे से चल रहा है, और अभी मैं यहाँ पे 7 पेज रन करती हूँ, ठीक है ना। उसमें से मेरा एक पेज मोनेटाइज है और बाकी के पेजों से मैं अच्छी खासी स्पॉन्सरशिप से अर्निंग कर लेती हूँ। सिस्टर, अगर अर्निंग की हम बात करें तो कितनी अर्निंग कर लेती हैं, हमारी ऑडियंस को कुछ बताना चाहेंगे आप? जी जरूर, मैं डेली का यहाँ से 1000-1200 से लेकर अर्निंग कर लेती हूँ स्पॉन्सरशिप के थ्रू, ठीक है ना। स्टोरी प्रमोशन करती हूँ मैं, उसी का मेरे को यहाँ पे 1000 या 1200-1300 रुपए तक की अर्निंग हो जाती है डेली। क्या बात है दोस्तों, स्टोरी प्रमोशन से 1100-1200 रुपए, भाई छोटी बात नहीं, महीने का 30,000-40,000 रुपए हो जाएगा। तो सिस्टर, अगर हम बात करें स्पॉन्सरशिप से, तो स्पॉन्सरशिप से आप अच्छी खासी अर्निंग कर लेती हैं, और इतनी अगर अर्निंग कर लेती हैं तो ये सिर्फ आपने एक पेज की बताया है या जितने पेज हैं आपके पास उन सभी को मिला करके आपने बताया है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? जी जरूर, ऐसा नहीं है, मेरे पास 2-3 पेज है, उनको मिला के मेरी इतनी अर्निंग हो जाती है, 30,000-40,000 मंथली मेरी अर्निंग यहाँ से हो जाती है। और फेसबुक की अर्निंग से मैंने फिलहाल प्रेजेंट टाइम में एक फोन परचेज किया, जिससे मैं अभी वीडियो शूट कर रही हूं। क्या बात है, हाँ, फेसबुक से अर्निंग करके इन्होंने फोन को परचेज किया है। दोस्तों आप भी फेसबुक से अर्निंग करके हर एक सपने को साकार कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट करके। इन बहन की अगर हम बात करें तो हमारे वीडियोस को देख करके सिर्फ और सिर्फ 2-2.5 महीने में इन्होंने इतनी अच्छी खासी अर्निंग करना स्टार्ट कर लिया, और आप भी कर सकते हो। तो सिस्टर, आप इस चीज पे आप थोड़ा कुछ बताना चाहेंगी मेरी ऑडियंस को कि ये लोग कह रहे हैं कि कॉपी पेस्ट करके अर्निंग नहीं की जा सकती है और पेज ग्रो नहीं होता है, तो इस पे आप कुछ बोलना चाहेंगी या बताना चाहेंगी हमारी ऑडियंस को? जी जरूर बताना चाहेंगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि फेसबुक पर कॉपी पेस्ट वर्क करके काम नहीं किया जा सकता, पैसे नहीं कमा जा सकते, लेकिन ऐसा नहीं है, फेसबुक से आप लोग पैसे कमा सकते हो ओनली फॉर कॉपी पेस्ट करके, ठीक है ना। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ पे काम तो करते नहीं है, वो ऐसे चाहते कि हमारा पेज जो वायरल हो जाए, ग्रो कर ले हम, लेकिन ऐसे नहीं होता भाई। मैं आपको यहाँ पे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, यहाँ पे आपको काम करना पड़ता है। मैंने अपने पेज को ग्रो किया, मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम किया, ठीक है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, फिर भी मैंने यहाँ पे अपने टाइम को एडजस्ट किया है, अपने टाइम को एडजस्ट करके यहाँ पे 2-3 घंटे मैंने काम किया है, और 2-3 घंटे काम इतना किया है मैंने, एक ही पेज पे मैंने एक ही दिन में 10-10 वीडियो को अपलोड किया है, इतना काम किया तब जाके मेरा पेज वायरल हुआ है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, अगर आप लोग काम नहीं करोगे तो आपका पेज ग्रो नहीं होगा और वायरल। बिल्कुल सही कहा आपने, इस बात से हम सहमत हैं बिल्कुल। सिस्टर, अगर हम बात करना चाहें तो कॉपी पेस्ट वर्क अगर हम करते हैं तो हमारे पेजेस पे अधिकतर हमारी ऑडियंस के कमेंट्स रहते हैं, भाई कॉपी पेस्ट में हमारे पास अगर करते हैं तो पॉलिसी इशू आ जाता है, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? क्या आपके पास कभी पॉलिसी इशू आया? जी जरूर,
आप कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे इसके बारे में? पॉलिसी इशू आया जी, लेकिन मेरे जो फर्स्ट वाले पेज थे उन पे पॉलिसी इशू आया, लेकिन अब जो मैं काम कर रही हूँ, अभी मैंने यहाँ पे सीख कर काम किया। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, फेसबुक पर एडिटिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप लोग फेसबुक पर एडिटिंग अच्छे से कर लेते हो तो कभी भी आपको कॉपीराइट या फिर पॉलिसी इशू की प्रॉब्लम नहीं आती है। मेरे को आज तक ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है क्योंकि मैंने यहाँ जी 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 सिस्टर, अगर हम बात करें पॉलिसी इशू की, तो पॉलिसी इशू को आप कैसे हटाई थी? अगर आपके पेज पे आया था तो उसको हटाया भी होगा आपने, तो हटाया तो कैसे हटाया, इसके बारे में आप डेडिकेटेड बताइए ताकि हमारी ऑडियंस की समझ में आए एवं वो हटा सके। मैं तो बताता ही बताता हूँ, हो सकता आपने किसी अदर तरीके से हटाया हो, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। जी 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 मैंने आपके वीडियो को देखकर किया तो मेरा पॉलिसी इशू वहां से रिमूव हो गया। अगर फिर भी आपका पॉलिसी इशू रिमूव नहीं होता है तो आपको यहां पे करना क्या, अगर आपका कोई कॉपी पेस्ट कंटेंट है तो आपको अपनी सारी वीडियो को वहां से डिलीट कर देना है। फिर आपको वहां पे करना क्या, लाइव करना है, ठीक है ना। अगर आप वहां पे लाइव करते हो तो फेसबुक को वहां पे पता चल जाता है कि ये ओरिजिनल क्रिएटर है, ठीक है ना। तो वहां पे क्या पता आपका पॉलिसी इशू हट जाए, लेकिन फिर भी अगर नहीं हटता है अपने पेज की कैटेगरी आपको चेंज कर देनी है और एडमिन आपको चेंज कर देना है, ठीक। उसके बाद आपको 5 दिन डेली गेमिंग करना है, उसके बाद आपको रिव्यू में भेज देना है। उसके बाद मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपके पेज से पॉलिसी इशू रिमूव हो जाएगा। क्या बात दोस्तों, आप लोगों ने सुना कि बहन ने क्या बताया कि आपका पॉलिसी इशू 100% हट जाएगा अगर इस तरीके से काम करते हैं। दोस्तों हमने भी आपको ये तरीका बताया हुआ था, क्योंकि बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिनको मैंने ये तरीका बताया हुआ है, उनके पास से प्रॉब्लम हट गई। अगर आपको गेमिंग नहीं करना आता है, आप गूगल पे सीधे जाइएगा, गो लाइव पे क्लिक कीजिएगा, यानी गो लाइव एक वेबसाइट आती है, तो गो लाइव वेबसाइट से आप डायरेक्ट कर सकते हैं लाइव। इस पे मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोगों के इस वीडियो पे 100+ कमेंट्स आए तो इस पे मैं डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आऊंगा, अगर कमेंट्स आए तो, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर आप लोग ज्यादा कमेंट करेंगे, आप लोगों को दिक्कत है, तो मैं इस पे वीडियो लेकर के जरूर आऊंगा। सिस्टर कॉपी पेस्ट करने का आइडिया आपके मन में कब से आया? जी जी मैं कभी YouTube या Facebook इन सबसे रिलेटेड थी नहीं, मैंने कभी इन चीज़ों का यूज ही नहीं किया जब तक मेरी शादी नहीं हुई उससे पहले, ठीक है ना। क्योंकि मेरा एक सपना था कि मैं वर्दी पहनना चाहती हूँ, ठीक है ना। मैं किसी भी फील्ड में जाऊँ लेकिन मेरे को वर्दी पहनना था, लेकिन मेरी किसी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं वर्दी नहीं पहन पाई, मेरा वो सपना टूट गया। फिर शादी हो गई, ठीक है ना। तो शादी के बाद मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता ही है फैमिली में जी जी रहना पड़ता है। फैमिली में हम अकेले तो रहते नहीं है, हस्बैंड वाइफ हमारे साथ बहुत सारी फैमिली रहती है, जैसे मेरी भी बड़ी फैमिली है, ठीक है ना। तो मैं फैमिली के साथ रहती हूँ, तो बहुत से लोगों को पसंद नहीं है कि घर से बाहर मतलब भाई कोई जाए लड़की जी जी घर से बाहर जाके काम करे, लेकिन मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं काम करूँ। और मेरा सपना था जॉब करने का, कुछ भी करूं, मेरा वर्दी पहनने का सपना तो टूट गया, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं जॉब करूं। मैं घर से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन घर में ऐसा माहौल है तो मैं बाहर नहीं जा सकती। जी जी। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोला, मेरे हस्बैंड की वजह से मैं इधर आई हूँ, ठीक है ना। यूट्यूब और फेसबुक मेरे हस्बैंड की वजह से मेरे को मिले हैं और उन्होंने मेरे को सब कुछ सिखाया। फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे को यहाँ पे बताया कि यहाँ से कॉपी पेस्ट से अर्निंग की जा सकती है, यूट्यूब से भी की जा सकती है और फेसबुक से भी, ठीक है ना। मेरे को यहाँ पे समझाया, उन्होंने सब कुछ मेरे को सिखाया, बाकी मेरे को कुछ भी नहीं पता था इस बारे में कि यहाँ पे अर्निंग भी होती है, क्योंकि मेरा दिमाग सिर्फ और सिर्फ वर्दी पहनने था, लेकिन मेरा वो सपना टूट गया। फिर मैं यहाँ पे आ गई, मैंने सोचा कि चलो कोई ना, एक सपना तो टूट गया, लेकिन अब हमें यूट्यूबर बनना है, ठीक। फिर मैंने जी जी बिल्कुल 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 क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, जरूर बनेंगी आप पे एक दिन यूट्यूबर, क्योंकि हमारी ऑडियंस का प्यार आपके लिए है और आपको हमारी ऑडियंस जरूर ही सपोर्ट करेगी और फुल सपोर्ट करेगी। आप यूट्यूबर बनना चाहती हैं, आप यूट्यूब पे वीडियो देखती हैं एवं यूट्यूब पे खुद सिखाती हैं, प्लस फेसबुक से अर्निंग भी कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिस्टर आप यूट्यूब पे किसको फॉलो करती हैं एवं आप कितने पेज रन करती हैं? मैं यूट्यूब पर एक तो आपको फॉलो जी जी थैंक यू सो मच जी जी ठीक है। और टेक चैंपियन सपोर्टर हो गए तो उनको मैं फॉलो करती हूँ, और एक और हो गए हमारे कैरी टेक माइंड, ठीक है ना, मैं उनको भी फॉलो करती हूँ। टेक्निकल स्टार हो गया,
क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। आप कितने पेज रन करती हैं? प्रेजेंट टाइम में मैं 7 पेज रन करती हूँ, ठीक है ना। 7 पेज मैं यहाँ पे रन करती हूँ और उसमें से मेरा 1 पेज मोनेटाइज है, बाकी से मैं अपनी शुरुआत में जैसा कि जी जी बताया कि मैं स्पॉन्सरशिप से अर्निंग। जी जी बहुत अच्छी बात है, तो मैंने आपको यहाँ जी जी बता दिया है। तो सिस्टर अगर हम बात करें तो आप अपने फेसबुक पे कितना टाइम स्पेंड करती हैं एवं फैमिली का रिएक्शन क्या रहता है, आप इसके बारे में थोड़ा बताइए हमारी ऑडियंस को। जी जी कर पाती हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता ही है मैं हाउस वाइफ हूँ और इतनी बड़ी फैमिली के साथ में मैं रहती हूँ, तो मेरे को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं फेसबुक पर 1-2 घंटा ही दे पाती हूँ कॉपी पेस्ट जी, क्योंकि मेरा यूट्यूब पे और चैनल है तो मुझे यूट्यूब पर भी ध्यान देना होता है। यूट्यूब पे भी मैं आप लोगों को सिखाती हूँ जो चीज़ें मैं फेसबुक पर सीखी है मैंने, और जो चीज़ें जो नॉलेज मेरे को है फेसबुक की, वो नॉलेज अभी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी प्रोवाइड करती हूँ। तो मैं हैंडल करती हूँ और फेसबुक पर भी कॉपी पेस्ट करती हूँ, तो 1-2 घंटा मैं फेसबुक पर दे देती हूँ। तो फैमिली का सपोर्ट है आपके साथ में या नहीं है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? जी जरूर, फैमिली का सपोर्ट है, बट उससे ज़्यादा मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है, क्योंकि उन्होंने मेरे को सब कुछ सिखाया और वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इन सब चीज़ों में। आप लोगों को पता है मैं विलेज से बिलोंग करती हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पे विलेज में ऐसे बहुत से लोग हैं, जैसे पड़ोसी हो गए, फैमिली वाले हो गए, गाँव के लोग समझते नहीं है, ठीक है ना, तो वो क्या बोलते हैं। अब जैसे मैं आपके साथ वीडियो शूट कर रही हूँ भाई, तो कभी उनके सामने मेरी वीडियो आ गई, वो आपके साथ मेरे को देखेंगे तो वो 2 बातें बनाएंगे, ठीक है ना, और डीमोटिवेट करने के बारे में सोचेंगे। जी जी, इसी तरीके से ऐसे बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। गांव में बिलोंग करती हूँ और यहाँ पे कोई ऐसा है नहीं आज तक को जो ऐसे यूट्यूब पर वीडियो बनाता है, तो मैं बहुत मुश्किल से वीडियो को बना पाती हूँ। मेरे घर से कोई फैमिली वाले बाहर जाते हैं तब मैं वीडियो को शूट करती हूँ। कॉपी पेस्ट तो मैं कर लेती हूँ जब वो घर में होते हैं, लेकिन जब वो घर से बाहर जाते हैं तब मैं यूट्यूब की वीडियो को शूट करती हूँ। तो एडजस्ट करना पड़ता जी है, जी जी, फैमिली के साथ रहना है तो सब कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन मुझे मेरे हस्बैंड जो है फुल सपोर्ट करते हैं, उनका सपोर्ट ही है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ और मैं आपके सामने यहाँ पे बोल पा रही हूँ, आपके चैनल पे आई हूँ, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मैं मेरे हस्बैंड की वजह से ही आपके चैनल पे जी आ जी आ क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जी जी सिस्टर, हम आपसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि आप एक फीमेल क्रिएटर हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो एक क्रिएटर बनना चाहती हैं लेकिन बन नहीं पाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अगर हस्बैंड होते हैं वो उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, या तो कहीं ना कहीं उनके मम्मी या पापा होते हैं सपोर्ट नहीं करते, उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, तो उसके बारे में आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? करना चाहती है, देखो फीमेल क्रिएटर है, अगर वो बाहर देखिए अगर वो फीमेल क्रिएटर आप उनको बाहर नहीं भेजना चाहते, लेकिन वो अगर घर में काम करना चाहती है तो आप लोग करने दीजिए, क्योंकि उनका टैलेंट है, उनके टैलेंट की आप लोग कद्र कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए ताकि वो आगे बढ़े और वो कुछ कर सके, किसी पे डिपेंड ना हो, सेल्फ डिपेंड बने। और आज के टाइम में आप लोगों ने देखा होगा कितनी ऐसी फीमेल क्रिएटर्स है जो बॉस लाखों रुपए की अर्निंग करती है मंथली, यूट्यूब से हो या फिर किसी भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हो गया, फीमेल क्रिएटर सबसे ज़्यादा अर्निंग करती है ऑनलाइन, ठीक है ना। तो आपको किसी के टैलेंट की कदर करनी चाहिए, उसको हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, चाहे आपकी बेटी हो या फिर आपकी वाइफ हो। में अगर कोई पिता है तो अपनी बेटी का भी सपोर्ट करना चाहिए, आपकी फैमिली में अगर कोई भी मेम्बर हो फीमेल क्रिएटर हो, अगर वो कुछ करना चाहती है तो आप सभी लोग उसका सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग उसका सपोर्ट करोगे, उसको कुछ भी नहीं दोगे, कुछ भी नहीं करोगे उसके लिए, लेकिन अगर आप उसको बोल दोगे ना हाँ आप करो, उसमें भी वो खुश हो जाएगी और खुशी खुशी वो अपने काम को कर लेगी। लेकिन अगर आप ऐसे बोलोगे तुम ऐसे नहीं करना, तू ऐसे नहीं कर सकती, कभी काम नहीं कर सकती, बहुत से ऐसे लोग है मैंने देखा है, मैंने यहाँ पे देखा है और मेरे को भी बोला है किसी ने, तो मुझे उन लोगों को करके दिखाना है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मेरे पापा का हमेशा से सपना था कि मैं जॉब लगूँ, ठीक है ना, उनका सपना था मैं वर्दी पहनूँ, लेकिन उनका भी सपना टूट गया, मेरा भी सपना टूट गया पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है ना। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ हर पिता हर हस्बैंड से कि आपको सपोर्ट करना चाहिए, आपकी वाइफ हो, आपकी बेटी हो, आपकी बहन हो, जो भी हो, आपको सपोर्ट करना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए, उनके टैलेंट को दबाना नहीं चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जो उनके टैलेंट को दबा देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि वो कभी आगे बढ़ नहीं पाती है और वो दूसरों पे डिपेंड हो जाती है। लेकिन आजकल जो फीमेल क्रिएटर ना, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सी फीमेल क्रिएटर है, बहुत सी फीमेल क्रिएटर ऐसी है जो यूट्यूब से भी अर्निंग करती है। आप किसी भी
अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख लीजिए, आज के टाइम में लड़कियां लाखों करोड़ों रुपए की अर्निंग करती है और लड़कियां हमेशा लड़कों से आगे होती है, लेकिन इस बात को लड़के एक्सेप्ट नहीं करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो उनको टैलेंट को रोक देते हैं, उनको काम करने से मना करते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, प्लीज उनके टैलेंट को दबाइए मत, उनको सपोर्ट कीजिए ताकि वो आगे बढ़े और वो कुछ कर सके। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सिस्टर आप कैसे एडजस्ट कर लेती हैं अपने घर में, मेरी तो समझ में नहीं आता कि आप एक हाउसवाइफ हैं, पूरे घर के कामों के साथ साथ आप फेसबुक पे वर्क करती हैं प्लस यूट्यूब पे सिखाती भी हैं, ये सब कैसे एडजस्ट करती हैं, मेरी ऑडियंस को बताइए, जानना चाहती है। इन सब में मेरे को थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरे को यहाँ पे कुछ करना है, मेरे को यूट्यूब से बहुत कुछ अचीव करना है। मैंने फेसबुक से यहाँ पे अर्निंग करना स्टार्ट कर लिया, लेकिन मुझे यूट्यूब से भी बहुत कुछ करना है और मैं नहीं चाहती कि मेरा मंथली 50,000 कमाऊँ, मैं चाहती हूँ मंथली में 1,00,000 रुपये कमाऊँ, ठीक है ना। जुनून है, मेरे वर्दी पहनने का जुनून था वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैंने अब इसको पकड़ लिया तो मैं इसको पूरा करके रहूंगी और मैं अपने चैनल से 1,00,000 रुपए मंथली कमा कर दिखाऊंगी और मैं बहुत जल्दी ग्रो भी करूंगी, लेकिन मेरी ऑडियंस मेरे को सपोर्ट करेगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट करेगी सिस्टर, हमारी ऑडियंस भी आपका सपोर्ट करेगी, क्योंकि एक लड़की एक महिला अगर आगे बढ़ना चाहती है तो मेरा पूरा सपोर्ट है बहन, मेरी पूरी ऑडियंस आपको पूरा सपोर्ट करेगी। एक हाउस वाइफ होकर के इतना अपने अंदर जज्बा रखती है, उसके अंदर टैलेंट है, काम करती है, आपको सिखाती है, क्योंकि खुद अर्निंग कर रही है तभी आपको सिखा रही है। तो आप ऐसी क्रिएटर को सपोर्ट कीजिए यार, आपके सपोर्ट की जरूरत है बहन, मेरी ऑडियंस आपको पूरा सपोर्ट करेगी, आपका चैनल मैं मेंशन कर दूंगा, आपके चैनल पे सपोर्ट करेगी, प्लस मैं आपका पेज भी अपने चैनल पे मेंशन कर दूंगा, वहां से सपोर्ट करेगी, तो उसके लिए आपको 1% भी सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन सिस्टर आप हमको ये बताइए कि आपने कॉपी पेस्ट कंटेंट ही क्यों चुना, आज की लड़कियां तो रील बनाती हैं इंस्टाग्राम पे, मैंने देखा है, कभी आपका मन नहीं हुआ? जी 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 मैंने यहाँ पे फर्स्ट में बहुत सारे पेजेस बनाए लेकिन मेरे को सक्सेस नहीं मिली, मैं डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं हुई, दोबारा से मैंने पेज बनाए तो यहाँ पे मैंने सक्सेस हासिल कर लिए। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, तो आपको है ना कभी डिमोटिवेट नहीं होना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डिमोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं होना। हमारा दूसरा क्वेश्चन आपसे था कि आपकी उम्र की लड़कियां मैंने देखा है इंस्टाग्राम पे रील बनाती हैं, फेसबुक पे रील बनाती हैं एवं यूट्यूब पे भी रील बनाती हैं प्लस अर्निंग भी करती हैं, क्या आपका कभी मन नहीं हुआ कि आप भी रील बनाएं? मैं अपनी इंस्टाग्राम पे रील्स बनाती जी जी, लेकिन अब नहीं बनाती, मेरा भी मन करता है रील बनाने का और मैं रील्स बनाती भी हूं इंस्टाग्राम पे, लेकिन वहाँ पे मुझे ज्यादा कुछ खास आता तो नहीं है, ना तो मुझे लिपसिंग करना आता है, ना ही मुझे डांस आता है, तो मैं ऑडियंस को क्या सिखाऊंगी, ठीक है ना। तो मेरे को नॉर्मली मैं रील्स वगैरह बना लेती हूँ, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं ये चाहती हूँ कि मैं ऑडियंस को नॉलेज प्रोवाइड करूँ, ठीक है ना, जो नॉलेज मुझे है वो नॉलेज मैं अपनी ऑडियंस को प्रोवाइड करूँ ताकि मेरी ऑडियंस की भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। जी जी बिल्कुल सिस्टर, आपसे मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि अगर कोई फेसबुक पे काम करना चाहता है तो शुरुआत में उसके पास में क्या क्या होना चाहिए ताकि वो भी फेसबुक से अर्निंग कर सके, उसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालिए। ज्यादा कुछ नहीं, बस एक स्मार्टफोन होना चाहिए और फोन तो आजकल सभी के पास होता है, बच्चे के पास फोन होता है, ठीक है ना, एक फोन ही चाहिए। जब मैंने कॉपी पेस्ट स्टार्ट किया मेरे पास एक ही फोन था, ठीक है, मैं एक ही फोन से कॉपी पेस्ट करती थी, और पहले मैंने जब यूट्यूब चैनल पे काम किया ना, मैं एक ही फोन से मैंने काम किया था यूट्यूब चैनल पर, मेरे पास दो फोन नहीं थे, दो फोन मेरे पास बाद में आए, ठीक है ना। तो आप एक फोन से भी बहुत कुछ कर सकते हो। सिस्टर जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को क्या संदेश देना चाहेंगी ताकि हमारी ऑडियंस के कुछ समझ में आ जाए? मैं जाते जाते आपको यही कहना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पे बहुत पैसा है,
सोशल मीडिया पे आप लोग अर्निंग कर सकते हो, जितनी चाहे अर्निंग आप सोशल मीडिया से कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। मैं तो आपको यही कहना चाहती हूँ, अभी भी टाइम है, अगर आप लोग अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको यहाँ पे काम स्टार्ट कर देना चाहिए। आप फेसबुक पे भी कॉपी पेस्ट वर्क करके अर्निंग कर सकते हो। आप लोगों को पता है अभी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा वैसे वैसे कॉम्पिटिशन बढ़ता जाएगा, फिर आप वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाओगे। तो आपके पास अभी भी टाइम है, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आता है तो आप सीख सकते हो। आपको YouTube पे ऐसी बहुत सारी जानकारी प्रोवाइड होती है, आपको भाई तो जानकारी देते ही है, मैं अपने चैनल पर भी जानकारी देती हूँ, तो आप मेरे चैनल पर भी विजिट कर सकते हो। मैं तो आपको यही कहना चाहती हूँ, अभी से आप अपनी नाम और पहचान बना लीजिए ताकि आने वाले टाइम में आपको अच्छी खासी ग्रोथ मिले। आप अभी से अगर अपना नाम और पहचान बना लोगे तो आगे जाके आप बहुत आगे जाओगे, ठीक है ना। तो आपको अभी से यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर लेना है। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सिस्टर आपने, क्योंकि अभी से अगर आप नहीं अपना काम करेंगे तो आगे चल करके बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि अभी भी अगर बात करें कंपटीशन बहुत है, लेकिन आपको थोड़ा कुछ अलग करना होगा। और थोड़ा अलग कैसे करेंगे, उसके लिए आपको दोस्तों वीडियोज देखने होंगे। आप मेरे वीडियोज देख सकते हैं, सिस्टर के वीडियोज देख सकते हैं, क्योंकि सिस्टर ने तो बहुत ही हाल में ग्रो किया है, बहुत ही जल्दी ग्रोथ पाई है, इन्होंने हमें देखा एवं हमें फॉलो किया, बहुत ही अच्छी ग्रोथ करी एवं महीने का बड़े आराम से 30,000 से 40,000 तो बड़े आराम से मिनिमम में कमाई लेती हैं। तो आप भी कमा सकते हैं एवं आप इनके चैनल को विजिट कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप सिस्टर को जरूर ही सपोर्ट कीजिएगा, इनके चैनल को विजिट कीजिएगा, इनके वीडियोस को देखिएगा, जिस तरीके से वर्क करती हैं उस तरीके से समझाते भी हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, ताकि हमारे वीडियोज़ का आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और सिस्टर के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।